सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 5 का पाठ 8 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है कंजूस चाची। ये एक कहानी है, तो आज ये जाने कि इस कहानी का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले इस कहानी का उद्देश्य है कि हमें सूझबूझ से दूसरों को सही मार्ग दिखाना चाहिए। तो आइए जानें इस कहानी के माध्यम से हमें क्या सीख दी जा रही है। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो धन होते हुए भी उसे खर्च करने में हिचकिचाते हैं, ऐसे व्यक्ति को कंजूस कहा जाता है। धन आदमी को स्वार्थी, अहंकारी और संवेदनशील बना देता है। हमें चाहिए कि धन का उपयोग अपनी ज़रूरत पर करने के लिए अवश्य करें, ना कि विलासिता के लिए रखें। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि धन हमें संवेदनशील ना बना दे। तो धन का उपयोग जहाँ पर हमें करना है वहाँ पर हमें उसे ज़रूर करना चाहिए, ना कि कंजूसी करके उस धन को बाद के लिए बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि बाद में भी वह धन की ज़रूरत है, मगर जो ज़रूरत अभी है उसे हमें उसकी पूर्ति करते रहनी चाहिए। तो आइए कहानी पढ़कर जानें कि किस प्रकार उस चाची का नाम कंजूस चाची रखा गया। तो कृष्ण नगर में अधेड़ आयु की एक विधवा रहती थी। उसके पति उसके लिए भारी मात्रा में धन और संपत्ति छोड़कर स्वर्ग सिधार गया था, इसलिए उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। बेहद अमीर होने के बाद भी विधवा फटे पुराने कपड़ों में रहती, भोजन पर भी वह ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करती, रूखा सूखा खाती और पेट भर लिया। बस किसी भिखारी को भी वह भीख नहीं देती, उल्टे उसे दरवाजे से ही दुत्कार कर भगा देती थी। दान करना तो जैसे उसे सीखा ही नहीं था। साधु संन्यासी उसके दरवाजे से खाली हाथ लौट जाते थे। इसी कारण नगरवासी जो थे उसका नाम कंजूस चाची रखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस कहानी का जो है शीर्षक समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार चाची का नाम कंजूस चाची रखा गया। एक दिन की बात है कि एक दिन नित्य की भांति रमेश जब राजदरबार जाने के लिए घर से निकला तो उसने कुछ लोगों को हुजूम की शक्ल में मार्ग में खड़ा हुआ देखा। जब वो अपने घर से राजदरबार जाने के लिए निकलता तो रास्ते में उसे कुछ लोगों की भीड़ दिखाई देती है, जो कंजूस चाची के विषय में ही बातें कर रहे थे। रमेश को आता देखा तो सब उसे घेर कर खड़े हो गए। उनमें से एक व्यक्ति ने रमेश से कहा, रमेश तुम महाराज के सर्वश्रेष्ठ विदूषक कहे जाते हो, तुम्हारी बुद्धि तेज और तुमने कई असंभव कार्य भी कर दिखाए हैं, किंतु हम तो तुम्हारा बुद्धि का लोहा तब मानेंगे जब तुम हमारा एक काम करके दिखाओगे। सब लोग रमेश को चाची के बारे में बताते हैं और वह काम क्या है भाई लोग, रमेश ने बहुत ही जिज्ञासा से पूछा। काम मैं बताता हूँ, दूसरा व्यक्ति बोला, अगर तुम कंजूस चाची के घर किसी दिन भोजन कर दिखा दो तो हम तुम्हें मान जाएंगे। इतना ही नहीं, तुम्हें हम सब मिलकर बढ़िया भोजन भी कराएंगे, तीसरे ने कहा। लेकिन यदि तुम इस काम में असफल रहे तो तुम्हें हम सबको भोजन कराना होगा। मुझे मंजूर है, रमेश मान जाता है। रमेश बोलता है, तुम लोग मेरे भोजन की व्यवस्था करके रखो, मैं जल्द ही लौट कर तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। रमेश ने राजदरबार जाने का विचार छोड़ दिया और सीधा कंजूस चाची के घर की ओर चल पड़ा। चाची थोड़ी देर पहले ही नदी से नहाकर लौटी थी और घर के बरामदे में खड़ी अपने केश सुखा रही थी। रमेश वहां पहुंचते ही उनके चरणों में गिर पड़ा, बोला, परमात्मा का लाख लाख शुक्र है कि आप जीवित हो चाची। अरे चाची अकबका बदहवास होकर जब वो गिर जाता है तो चाची आश्चर्यचकित हो जाती है और वो बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो चाची। तभी रमेश बोलता, चाची रात मैंने सपने में देखा कि तुम भगवान को प्यारी हो गई हो, तुम्हें जीवित पाकर मुझे कितनी खुशी हुई या मैं बयान नहीं कर सकता। तभी चाची बोलती, मूर्खता छोड़ो रमेश, देख नहीं रहे कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। रमेश ने चाची के रसोई की ओर निगाह डाली और कुछ सुनने की कोशिश की। तभी चाची ने टोका, क्या देख रहे हो रमेश, मैं अभी अभी नहा कर लौटी हूँ, तुम ये बताओ कि मेरे यहाँ किस मतलब से आए हो। तभी रमेश इधर उधर सुनता है, तभी चाची बोलती, मैं तुम्हारी पाक कला के विषय में सोच रहा था चाची, मैंने तुम्हारे बनाए हुए भोजन की बहुत प्रशंसा सुनी है। रमेश होठों पर जीभ फिराता हुआ उसकी चापलूसी करते हुए तारीफ करता है, रात में सपने में ही यही सोच रहा था कि यदि तुम मर गई तो मैं तुम्हारे द्वारा तैयार की गई कढ़ी से कहीं वंचित ना रह जाऊँ। चाची क्या तुम मेरे लिए अपने हाथों से स्वादिष्ट कढ़ी तैयार नहीं कर सकती, प्रशंसा किसे नहीं अच्छी लगती है। जब चाची में भी मानवीय संवेदना मौजूद थी, प्रशंसा सुनकर उन्हें बहुत खुशी हुई, इससे पूर्व किसी ने भी उसे बनाए भोजन की इतनी तारीफ नहीं की थी। चाची बोली, ठीक है, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो
कल दोपहर को मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आ जाना। मैं तुम्हारे लिए कढ़ी तैयार करके रखूँगी, लेकिन याद रखना रमेश, मैं सिर्फ कढ़ी और चावल ही पकाऊँगी, इससे ज़्यादा की आशा मुझसे मत रखना, क्योंकि वो ऐसे भी बहुत ज़्यादा धन तो नहीं खर्च करती थी। अगले दिन दोपहर के समय रमेश जो है चाची के यहाँ गया। रास्ते में वह तली हुई झींगा मछली खरीद लाया था, जिन्हें उसने एक पैकेट में छिपा कर रख लिया। चाची ने उसके लिए थाली में भोजन परोसकर रख दिया। और लोटे में जल लाने के लिए रसोई में गई। बस यही मौका था कारीगरी दिखाने का। रमेश जल्दी से पैकेट खोलकर कढ़ी के कटोरे से सारी मछलियाँ डाल दी, फिर बड़े चटकारे के साथ कढ़ी चावल खाने लगा। कैसी बनी है कढ़ी, चाची ने जब पूछा तो बहुत ही स्वादिष्ट है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है चाची, ऐसे करके वो चाची की तारीफ करने लगा। और कढ़ी में पड़ी झींगा मछली का तो कहना ही क्या, आदित्य स्वाद है इनका, सच कहता हूँ इतनी उमदा मछली की कढ़ी मैंने जीवन में पहली बार ही खाई है। चाची ये सुनकर हैरान हो जाती है, वो बोलती है क्या बकवास कर रहे हो रमेश, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मेरे घर में मछली का क्या काम। चाची रमेश की बात सुनकर आतंक भरे भाव से चीखती है, मैं मजाक नहीं कर रहा चाची, तुमने मछली वाली कढ़ी ही पकाई है, वह कितनी स्वादिष्ट मछली है, सारा कटोरा तेरे सिर पर उलट दूंगी, चाची चिल्लाती है। अब चाची और भी ज़्यादा भड़क उठती है। रमेश बोलता बेशक उलट दो चाची, लेकिन तुम्हारी बनाई मछली की कढ़ी की फिर भी तारीफ करूँगा, इतना ही नहीं दूसरों को भी जाकर बताऊँगा कि तुम कितनी स्वादिष्ट मछली वाली कढ़ी तैयार करती हो। यह कहकर रमेश ने कहा कि कटोरे में से एक छोटी सी तली हुई मछली निकाली और मुँह में डाल ली। मछली देखकर चाची को तो जैसे काट मार गया, वह फटे फटे नेत्रों से कटोरे की ओर देखने लगी। रमेश ने कटोरे से दूसरी मछली निकाली और उसे ऐसे भाव से चबाने लगा जैसे उसे परम संतुष्टि की प्राप्ति हो रही हो। ये जरूर तुम्हारी कारगुजारी है रमेश, चाची चिल्लाई, तुम ही ने कटोरे में मछली डाली है। रमेश बोलता है क्या कहती हो चाची, मैं भला ऐसा क्यों करने लगा, कढ़ी तो तुमने बनाई है, मैंने नहीं, स्वादिष्ट बनी है इसलिए तारीफ तो करनी ही चाहिए। रमेश ने कटोरे की कढ़ी चावलों पर उड़ते हुए कहा। चाची जी निगाह जैसे कढ़ी में मिली मछलियों पर पड़ी, वह सहमकर एकदम पीछे हट गई। हाय राम ये कैसे हो गया, आतंकित भाव से उसके मुंह से निकला ये कि क्या कैसे हो गया। रमेश सराफत से उनके बोला इतनी स्वादिष्ट कढ़ी बनाई है फिर भी इसे बनाने पर अफसोस जाहिर कर रही हो। चाची मैं तो बाहर जाकर सब लोगों को बताऊंगा कि चाची पाक कला में कितनी कुशल हैं, विशेषकर मछली वाली कढ़ी बनाने में तो उनका कोई जवाब नहीं। तो चाची बोलती तुम यह बात दूसरों को बताओगे, चाची ने आतंकित स्वर में पूछा। व्यक्ति की विशेषता तो उजागर होनी ही चाहिए चाची, जरा सोचो जब सब लोग को ये मालूम पड़ेगा कि तुम इतनी स्वादिष्ट कढ़ी बनाती हो तो कितनी प्रसिद्धि मिलेगी तुम्हें मोहल्ले में, मोहल्ले की स्त्रियां तुम्हारे पास आ आकर तुमसे मछली वाली कढ़ी बनाने की विधि सीखने का आग्रह करेंगी। अरे भाई भाड़ में गई ऐसी प्रसिद्धि, चाची झुल्लाई, मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा रहा है और तुम कह रहे हो कि प्रसिद्धि मिलेगी, लोगों को जब ये मालूम होगा कि मेरे यहाँ मांस मच्छी बनता है तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी, मेरी सारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। चाची और भी ना जाने कैसा कैसा प्रलाप करती रही। रमेश बड़ी खामोशी से भोजन पर हाथ साफ करता हुआ मन ही मन चाची की बातों का आनंद लेता रहा। रमेश तुम ये बात किसी को और को तो नहीं कहोगे, चाची ने गिड़गिड़ाते स्वर में कहा। तुम तो बेकार ही डर रही हो चाची, इसमें छुपाने और ना छुपाने वाली बात ही क्या है, यानी कि बताओगे, चाची पूछती है। चाची दूसरे लोग जब ये पूछेंगे कि चाची ने तुम्हें क्या बनाकर खिलाया तो बताना ही पड़ेगा, अर्थात मुझे बदनाम जरूर करोगे। रमेश मैं तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रख रही हूँ, तुम अपनी जुबान बंद रखोगे तो मैं तुम्हें चांदी के 10 रुपये दूंगी, मैं झूठ नहीं बोल सकता। चाची रमेश बोलता है चलो 20 रुपये ले लो, बस अपनी जुबान बंद रखना, ही करके तुम मजाक कर रही हो चाची, बात खत्म करो रमेश, 50 रुपये लो और अपनी जुबान पर ताला लगा दो। मन तो नहीं मानता किंतु जब तुम इतना आग्रह कर रही हो तो यही सही, मैं मछली वाली बात किसी से नहीं कहूँगा, अब निकालो चांदी के कलदार,
कहते हुए रमेश ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ा दिया। चाची ने मन ही मन कूलते हुए अपने बक्से में से उसे 50 रुपये निकाल कर दे दिए। अपना वादा याद रखकर रमेश, और फिर कभी मेरे यहाँ भोजन करने के लिए मत आना, रुपये देकर चाची बोली। रमेश बोलता, ठीक है चाची, आगे से फिर कभी तुमसे कढ़ी चावल खाने का अनुरोध नहीं करूँगा। कहते हुए रमेश उनके घर से निकल गया। बाहर लोगों की टोली इसी बात की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब रमेश बाहर निकले और कब उससे चाची के घर के भोजन के विषय में बात करें। जब रमेश ने वहाँ पहुँचकर उन्हें बताया कि उसने न सिर्फ कंजूस चाची के हाथ से बना भोजन ही किया बल्कि 50 रुपये दक्षिणा में भी मिल लिया है, तो यह सुनकर आश्चर्य से उनकी आंखें फट गई। सबने रमेश के दिल खोलकर प्रशंसा की। चाची से किए गए वादे के अनुसार रमेश मछली वाली बात छुपा गया। उसने कहा, मैंने अपना वचन पूरा कर दिया और दोस्तों अब आप लोग की बारी है, मुझे स्वादिष्ट भोजन कराओ। क्योंकि सभी दोस्तों ने रमेश से ये शर्त रखी थी कि अगर वो चाची के यहाँ से भोजन करके आएगा तो सब लोग उसे स्वादिष्ट भोजन कराएंगे। लोगों ने अपना वादा निभाया, उन्होंने रमेश को शानदार भोजन कराया। इस प्रकार रमेश ने कंजूस चाची की जेब से भी 50 रुपये निकलवा लिए और लोगों के पैसों में दावत भी उड़ा ली। सो अलग। तो इस प्रकार ये पाठ यहीं पे समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ समझ में भी आया होगा और आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भी। तो सबसे पहले पाठ के किसी भी शब्द के अर्थ को जानने के लिए हमें उसके शब्दों के अर्थ पुस्तक के आखिर में दिए गए हैं, उसे पढ़ना होगा। उसके बाद सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को आपके वेबसाइट पे मौजूद मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ अवश्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।